सो खुला डियर मतलब थोड़ा बना चिल्ड्रन, रहे थे, जल्दी समझ लगा थोड़ा इंग्लिश प्लीज इंस्टेंट स्पेशल म्यूट स्पेशल डियर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर माइक्स। डियर पेरेंट्स, आई विल शेयर वंस मोर बिफोर एंडिंग द क्लास। सो बेटा आई टोल्ड यू यू विल ऑल कीप योर इंग्लिश नोटबुक्स विद यू। अभी आपने कुछ नहीं लिखना है, जब मैम लिखेंगे बोर्ड पे तब आप मेरे साथ साथ लिखोगे। राइट नाउ यू जस्ट हैव टू लिसन, ठीक है? आई होप आपने ये चैप्टर जो था थ्री लिटिल पिग्स सब ने अच्छे से रीड कर लिया है ना। टू थ्री टाइम्स इसकी रीडिंग करनी थी, आपने मैम ने बोला था आपको। सो यू मस्ट हैव रेड इट आई होप। एंड इसके हमने कुछ डिक्टेशन वर्ड्स भी किए थे, हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे थे इस चैप्टर में, उनके मीनिंग सीखे थे, उनके स्पेलिंग सीखे थे, ठीक है? सो नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आंसर्स। मैम ने आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराना है, 4 कराना है और 5 कराना है। वाई? बिकॉज 1 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? तो इतना वर्क आपकी नोटबुक पे होना चाहिए इस चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड्स एंड फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है? बिकॉज आज हम इससे आगे करेंगे। सो नेम ऑफ द चैप्टर वॉज थ्री लिटिल पिग्स। जल्दी से इसका रीकैप कर लेते हैं पहले। थ्री लिटिल पिग्स के नेम्स लिखिए चैट बॉक्स में। चलो लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर। नक्श म्यूट योर सेल्फ, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। राइट द नेम्स ऑफ थ्री लिटिल पिग्स इन द चैट बॉक्स। हृदय ने आंसर लिखा है बट एस स्मॉल है, एम भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है। मैम देयर मस्ट बी सम इशू फ्रॉम योर साइड। मोनिका मैम एनी इश्यूज विद माई वॉइस? ओके सो नेम्स ऑफ थ्री लिटिल पिग्स वर सोनू मोनू एंड गोनू, ठीक है? और इनको जब भी हमने नेम लिखना है एस कैपिटल, एम कैपिटल, जी कैपिटल। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप मुझे बताएंगे तीनों पिग्स के हाउसेस किस चीज के बने थे। सोनू का हाउस किस चीज का बना था, मेड ऑफ वॉट? मोनूज हाउस एंड गोनूज हाउस। जैसे आपने नेम्स लिखे ना सोनू मोनू गोनू, ऐसी तीनों चीजें ऐसी ऑर्डर में लिख दो। फर्स्ट नंबर पे लिखो सोनूज हाउस, मोनूज हाउस एंड देन गोनूज हाउस। ओके सोनू स्ट्रॉ, फाइन, ऑल राइट। स्ट्रॉ हाउस था सोनू का, मोनू का स्टिक हाउस था एंड गोनू का सबसे अच्छा, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड बिकॉज आई नीड टू आस्क यू क्वेश्चन। ओके गोनूज हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक एंड हूज हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट? लिसन टू माई क्वेश्चन नाउ। हूज हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट? गोनू का हाउस था, मोनू का हाउस था या सोनू का? ओके सारे बच्चे गोनू लिख रहे हैं। यस बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, बिकॉज हिज हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स और ब्रिक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं तीनों में से, ठीक है? सो एक और क्वेश्चन है कि विच एनिमल केम टू पुट डाउन ब्लो डाउन देयर हाउस? विच एनिमल केम टू ब्लो देयर हाउस? ओके बिग वुल्फ। और भी एक वर्ड यूज किया है वुल्फ के लिए इस चैप्टर में, बिग डैश वुल्फ। कौन सा वुल्फ था वो? बिग बैड वुल्फ। यस वेरी गुड, गौरी ने लिखा आंसर। सो देयर वॉज अ बिग बैड एनिमल विच वॉज अ वुल्फ एंड वुल्फ इज अ डेंजरस एनिमल, है ना, वाइल्ड एनिमल होता है वो। सो इनको पिग्स के हाउस को वो तोड़ने आता है। सो इन द एंड द थ्री लिटिल पिग्स लिव्ड इन विच हाउस? The three little pigs lived in which house in the end of the chapter? The brick house or the Gonu's house? बिल्कुल ठीक है, very good. So हमने जल्दी से story recap कर ली ना, अब आपको याद आ गया होगा सब कुछ। और आपको हमने याद होगा last time questions किए थे। First question हमने किया था how many pigs were there, है ना? उसका answer मुझे कौन बताएगा पहले? Okay, let's see who is attentive. गुरसिफत इज रेजिंग हैंड, वेरी गुड गुरसिफत, यस प्लीज आंसर। हाउ मेनी पिग्स वर देयर? वेरी गुड, देयर वर थ्री पिग्स। बहुत सारे बच्चे सिर्फ थ्री लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। ओके म्यूट योर सेल्फ डियर। अरमान आर्यन माइक ऑफ रखो बेटे। गुड गुरसिफत, सो गुरसिफत ने आंसर याद भी कर लिया।
there were three pigs. Beta, if you will unmute, I am not going to ask you. Sorry. Ronit Singh, please switch off your mic. This is no way of answering, dear. So there were three pigs, है ना? So second question हमने किया था, what did the big bad wolf say to the pigs? अब ये आपने ध्यान से सुनना है. मुझे एक बच्चे ने ना वीडियो भेजी थी, उसमें उसने आंसर बोल के मैम को सुनाया हुआ था, बट उसमें प्रोनाउंसिएशन वॉज लिटिल डिफरेंट. ठीक है, डिफरेंट एंड रॉन्ग ऑल्सो. अब आप सुनो इसका आंसर क्या था. द बिग वुल्फ सेड, और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था, याद है आपको, जो मैम ने आपको सिखाया था कि कॉमास कैसे डालते हैं उल्टे. आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. तो इस जो ये वर्ड्स हमने यूज किए ना, एच यू डबल एफ एंड पी यू डबल एफ, उनको बोलते हैं हफ एंड पफ. ठीक है, कई बच्चे इसको ठीक नहीं बोल रहे, सो यू हैव टू टेक केयर. इट इज हफ एंड पफ. वेरी गुड, हरमन ने आंसर चैट बॉक्स में लिख दिया है. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. सो हफ एंड पफ की प्रोनाउंसिएशन आपने ध्यान रखनी है. और वुल्फ, ठीक है, वुल्फ कैसे बोलना है इसकी भी प्रैक्टिस करो. वुल्फ, राइट. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. प्रभवीर सिंह, अपना माइक ऑफ रखिए एंड सीधे बैठिए. सिट स्ट्रेट, डोंट लाई ऑन द बेड. You're tired early in the morning. So now, आज हम आगे वाले questions करने लगे हैं. Question number 3, 4 and 5. ठीक है? So Pranav, unmute करिए. Yes, ma'am. बेटा read करेंगे आप question number 3? Read it for me. Try to read. W H O S E. Rose. No. Whose? 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 डोंट स्पीक द स्पेलिंग्स, डोंट स्पीक द स्पेलिंग्स. हाँ, वर्ड बोलो, हो जाएगा, ट्राई करो. हाउस, डब्ल्यू ए एस, वाज द स्ट्रॉ. नो, आप देख ही नहीं रहे हो ध्यान से. स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट. प्रणव नीड मोर रीडिंग प्रैक्टिस. प्रणव, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. बेटा आपको एफर्ट करनी पड़ रही है रीडिंग के लिए, सो डू मोर प्रैक्टिस एंड समवन वाज हेल्पिंग यू आल्सो आई थिंक. म्यूट योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन है, हुज हाउस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब किसका घर. हुज का मतलब होता है हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि किसका किसका घर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था. हमने थ्री टाइप ऑफ हाउसेस किए थे इस चैप्टर में, अ स्ट्रॉ हाउस, अ स्टिक हाउस एंड अ ब्रिक हाउस. सो किसका हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट था, यू विल ऑल राइट इन द चैट बॉक्स. ये अभी मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपको, है ना. सो गोनू जो था उसका हाउस बना हुआ था ब्रिक्स का, सो दैट मीन्स गोनूज हाउस. आपने देखा हमने क्वेश्चन में हुज पूछा है, मतलब किसका. तो जब हम बोलते हैं गोनू का, है ना, हिंदी में कैसे बोलेंगे, गोनू का घर, तो उसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है. ध्यान से देखो आंसर का फर्स्ट वर्ड फिर से. गोनू के नेम के साथ मैम ने एक कॉमा लगाया है और फिर एस लगाया है उसमें, दिखा आपको. सो दैट मीन्स गोनूज हाउस. इसको कैसे बोलना है, गोनूज, स की साउंड भी आनी चाहिए एंड में. ठीक है, इसको बोलो मेरे साथ साथ, माइक ऑफ रख के बोलना है आपने, गोनूज हाउस. प्रभवीर माइक ऑफ रख के, गोनूज, गोनूज हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, सो इसका वर्ड ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है. ठीक है, गोनूज हाउस. आप सबने चैट बॉक्स में गोनू गोनू लिखा है, बट इसको आपने कैसे लिखना है, गोनूज हाउस अपोस्ट्रोफी एस के साथ. ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेक केयर. सो गोनू का घर जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था. उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो ब्रिक्स का बना हुआ था. ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन एंड आंसर 3. नेक्स्ट सुनो अब क्वेश्चन नंबर 4 फॉर दिस प्रभवीर. नाउ यू रीड, यू आर अगेन एंड अगेन अनम्यूटिंग. रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4. रीड व्हील, इट्स व्हाई,
बेटा ऐसे नहीं बोलते, दा ऐसे नहीं बोलते, द द वॉल्फ वॉल्फ नहीं है वो, अभी मैंने बताया कैसे बोलते इस वर्ड को, वॉल्फ नहीं वॉल्फ बोलते, वुल्फ। मैम आपकी आवाज टीचर आपसे नहीं आ रही। वुल नॉट नॉट डाउन ब्लो डाउन ब्लो, बी से है वो, बी से लिखा है। ब्रिक हाउस डाउन। रविर यू ऑल्सो नीड लॉट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। आज मैंने दो बच्चों से अभी तक रीड कराया है, आपसे रीडिंग नहीं हो रही। यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, म्यूट योर सेल्फ नाउ, लिसन अगेन और प्रैक्टिस करिए रीडिंग की। बेटा जो बच्चा मैम मी बोल रहा है ना उसकी टर्न तो आनी ही नहीं। नो यू आर अनम्यूटिंग, यू विल नॉट गेट द टर्न। वाई कुड द वुल्फ नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। वाई जब लिखते हैं ना, वाई होता है क्वेश्चन में, तब हम किसी चीज का रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं कि वो काम क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो वुल्फ था इसको वॉल्फ नहीं बोलना। अभी भी देखा आपने, अभी भी रॉन्ग बोला था प्रवीण ने, इट इज वुल्फ। सो वुल्फ जो था वो ब्रिक हाउस को क्यों ब्लो नहीं कर पाया। ब्लो पता है ना आपको, बताया था मैम ने, विंड ब्लो करते हैं जो हम माउथ में। तो जो बिग वुल्फ था वो उस ब्रिक हाउस को अपनी ब्लो करने से क्यों नहीं उसको गिरा पाया, ये पूछा है क्वेश्चन में। सो इसका रीजन क्या था, क्योंकि ब्रिक हाउस जो था वो स्ट्रॉन्ग था। ये चैप्टर में भी वर्ड आया हुआ है ना आपके, स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना। सो ब्रिक का जो हाउस था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वुल्फ उसको नहीं गिरा पाता। अब आंसर देखो हमने कैसे लिखना है, हमने क्वेश्चन में से कितना कुछ उठाना है। द वुल्फ स्टार्ट कहाँ से किया हमने, द से। द वुल्फ कुड नॉट, मतलब वो क्यों नहीं कर पाया, कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। इतने सारे वर्ड्स हमने क्वेश्चन में से ले लिए। देखो द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, ठीक है। तो अब हम उसका आंसर बताएंगे कि क्यों नहीं गिरा पाया। तो वाई जब क्वेश्चन में आता है ना, तो यूजली हम आंसर में बिकॉज जरूर लिखते हैं, क्योंकि हमने रीजन बताना होता है कि वो क्यों नहीं गिरा पाया। बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट किस लिए यूज किया है यहाँ पे, हाउस के लिए, जो ब्रिक हाउस था उसके लिए इट यूज किया, क्योंकि वो एक थिंग है, उसके लिए हम ही शी नहीं यूज कर सकते ना, वो थिंग है एक, सो इसलिए हम इट यूज करते हैं उसके लिए। सो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, समझ आया आपको। सिर्फ इतना सा याद करना है हमने, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और बाकी सारा जो आंसर था वो ऑलरेडी चैट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मोनिका मैम, ओके क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी फोर हो गया हमारा। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। महीप रीड नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव। महीप बेटा अनम्यूट करो। ओके नो रिस्पॉन्स। रिद्धि रिद्धि रीड क्वेश्चन नंबर फाइव। नक्श आपका क्यों माइक ऑन है, सो रिद्धि इज ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू रीड बेटा, आई एम कॉलिंग यू। आप लोग माइक ही ऑन नहीं करते हैं। रिद्धि चड्डा प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर फाइव। चलो बी अटेंटिव, पढ़ोगे
जल्दी बोलो. हेड. हम्म. इन. हेड बेटा हेड. नेक्स्ट सेकंड वर्ड क्या है हु के बाद? सेकंड थोड़ा क्या लिखोगे? स्टेलिंग क्या हु आगे हु लिव्ड. यू आर नॉट इवन ट्राइंग. आगे पढ़ो. इन. आगे. इन. आगे ऊंची बोलो. आगे क्या लिखा हुआ पढ़ो. रिद्धि आर यू स्केर्ड ऑफ समथिंग? आपको डर लग रहा है रीडिंग करने से? कितना डर डर के बोल रहे हैं आप. व्हाट इज इट? ऊंची पढ़ो बेटा. ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ? यू आर लुकिंग समवेयर एल्स. आप देख भी कहीं और रहे हो. हु लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स? ये सारे वर्ड तो आपके चैप्टर में हैं और कितनी बारी कर चुके हैं ये तो हम. इसमें से कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था, कोई न्यू वर्ड नहीं था. आई एम नॉट हैप्पी विद द वे चिल्ड्रन यू आर रीडिंग. बेटा आपसे रीडिंग ही नहीं हो रही कितने सारे बच्चों से. तो म्यूट योर सेल्फ रिद्धि एंड बी मोर कॉन्फिडेंट. यू डोंट नीड टू बी स्केर्ड. No, Diya, sorry. Who lived in a house of sticks? मतलब who मतलब किसी person के बारे में पूछा है. कौन है ना, कौन रहता था sticks के house में. तो अभी ये तो हमें बहुत बारी हम कर चुके हैं कि sticks के house में कौन रहता था. Very good. गीताली ने chat box में भी लिख दिया मोनू है ना. मोनू का जो घर था वो sticks का बना हुआ था. तो answer कैसे लिखा है देखो, हमने हु की जगह आंसर में लिख दिया मोनू. ठीक है. और आगे लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, सारा वही क्वेश्चन में से हमने उठा के लिख देना है. सो ऐसे हमारा आंसर नंबर 5 भी फिनिश हो जाएगा. सो दिस वाज इजी राइट. सो हम एक बारी फिर से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से सुनो. हुज हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका था. ठीक है. आंसर कैसे लिखेंगे? हुज की जगह हम लिख देंगे गोनूज अपोस्ट्रोफी एस वाला. ठीक है. और बाकी सारा हमने क्वेश्चन में से लिख लेना है. हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो ये हो गया आंसर नंबर 5. देन 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था वाई कुड द वुल्फ नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. सो ये भी हमने क्वेश्चन में से लेना है सारा. देखो द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आपको रीडिंग साथ साथ करनी है. ओके. हु लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स? हु की जगह हमने क्या कर देना है? मोनू कर देना है. और बाकी सारा फिर से क्वेश्चन में से लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. सो यही है बस आज का हमारा वर्क. नाउ वॉट आर यू गोइंग टू डू? यू विल ओपन योर इंग्लिश नोटबुक्स. आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना. अब हम लिखने की कोशिश करेंगे इनको. अपनी इंग्लिश नोटबुक ओपन कर लीजिए. राइट डाउन टुडेज डेट. नाउ आई विल राइट एंड आप मेरे साथ साथ लिखोगे. ठीक है. अब किसी बच्चे ने बेटा माइक नहीं ऑन करना. नाउ यू जस्ट हैव टू लिसन. डेट लिखनी है सबसे पहले. हमें पता है ना, सबसे पहले हम नोटबुक पे क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं. टुडे इज 27 अप्रैल 2021 एंड देन द डे इज ट्यूजडे. ऑन द अदर साइड वी ऑलवेज राइट CW क्लास वर्क. हाँ जी बच्चे. मैम मैंने टाइम बेटा आपको मैम ने बताया था कि एंड में हम एक बारी दोबारा शेयर कर देंगे. प्लीज बीच में मत ऐसे इंटरप्ट करिए. एक्सक्यूज मी रमन मैम. एक्सक्यूज मी रमन मैम. हाँ जी मैम. यस मैम. एक इनपुट गूगल फॉर्म का भी बता देना. ठीक है. एंड में बता देना. ठीक है. हाँ जी. So,
देन इन द फर्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं हम, नेम ऑफ द चैप्टर, एल फॉर लेसन. लेसन कौन सा है, थ्री लिटिल पिग्स. जब आप ये लिखोगे, थ्री का टी कैपिटल होना चाहिए, लिटिल का एल कैपिटल होना चाहिए, पिग्स का पी कैपिटल होना चाहिए. नयनिका मेहरा, शी इज नॉट राइटिंग, बिजी इन टॉकिंग. हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री से आज. क्यों? बिकॉज हम वन और टू. आ रही है बेटा, आप अपना माइक ऑफ करिए फिर आएगी. पिन कर लो मैम को, मैम के नेम के आगे पिन बनी होती है ना, उसको पिन कर लिया करो. देखो जब आप लोग अपना माइक ऑन करते हो ना, फिर प्रॉब्लम होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं. वो था हूज हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. हूज के स्पेलिंग डब्ल्यू एच ओ एस ई. डब्ल्यू शुड बी कैपिटल बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. हूज house was strongest. कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं strong word, ठीक है, strong, okay, और उसके आगे जब हम लगा देते हैं est तो वो बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका था, ठीक है. और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया. अब तो जब क्वेश्चन फिनिश होता है, हम क्या डालते हैं उसके पीछे, वी ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क लाइक दिस. लिखिए, हूज का डब्ल्यू कैपिटल, हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. जब तक आप क्वेश्चन लिख रहे हो, मैम की एक बात ध्यान से सुनो. आज ना जब मैम क्लास के बाद आपके साथ इंग्लिश का वर्क शेयर करेंगे, तो मैम आपको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे. जैसे आप अटेंडेंस फिल करते हो ना अपनी गूगल फॉर्म में, वैसा ये एक रिवीजन के लिए गूगल फॉर्म है. जितने भी अभी तक हमने इंग्लिश के टॉपिक्स किए हैं ना, ग्रामर के और ये चैप्टर के, लेसन के, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें, वो आपने वहीं पर फिल करके बस उसको सबमिट कर देना, तो वो सारे आंसर्स मैम के पास आ जाएंगे, ठीक है. और उसको भरने के बाद आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए 10 में से. व्यू स्कोर की एक ऑप्शन आती है, उसमें जाके आप अपने मार्क्स भी चेक कर लोगे, ठीक है. वो मैम को किसी ने नहीं भेजना, मैम के पास अपने आप पहुंच जाएगा. आपने बस वो प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आप खुद करें, मम्मा नहीं सॉल्व करेंगे आपके लिए वो. ओके, रीडिंग भी आप खुद करोगे उसकी, और उसको सॉल्व भी खुद करोगे, आंसर्स भी खुद दोगे. गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, इट्स ओनली अ रिवीजन. मैम उसके मार्क्स कहीं नहीं नोट करेंगे, बट आपने करना खुद है. ओके, सो नाउ हम इसका आंसर लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, हूज की जगह हम नेम बताएंगे कि किसका घर सबसे स्ट्रांग था, स्ट्रांगेस्ट था. तो सबसे स्ट्रांगेस्ट हाउस था गोनू का, तो गोनू का जी कैपिटल ओ एन यू. सिर्फ गोनू नहीं लिखना हमने, कैसे लिखना है, ऊपर हम कॉमा डालेंगे ऐसे एक, और इसके साथ लिख देंगे एस. एस को आपने यू के साथ ज्वाइन नहीं करना, अलग लिखना है. ओके, सो ये वर्ड क्या बन गया, गोनूज के, गोनू का घर, ठीक है. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, गोनू का घर, तो तब हम लिखते हैं गोनूज इंग्लिश में, उसको फिर अपोस्ट्रोफी एस की तरह लिखते हैं. बाकी हमने कहां से नोट करना है, क्वेश्चन में से. हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, तो हमारा आंसर भी हो गया. अब आंसर फिनिश होता है तब हम क्या डालते हैं, फुल स्टॉप.
आई होप यू ऑल आर राइटिंग और आप खुद लिख रहे हैं सारे बच्चे. जितना अभी हम लिख पाएंगे वो आप मेरे साथ साथ लिखोगे, बाकी वर्क आप व्हाट्सएप में से देख के भी कर सकते हो जब मैम शेयर करेंगे. ओके विल ट्राई. जसदीप कौर, व्हाट इज इट, व्हाई आर यू डूइंग दिस? Gonu's house was the strongest. Jasdeep beta, ab aapka mic nahi on hona chahiye. Jab hum Gonu's likhenge to ye jo comma hai na ye upar dalna hai, niche nahi dalna. Ye upar wali line mein dalna hai humne. Okay? Gonu's house was the strongest, full stop. Show me your thumbs up if you have done this much. Thumbs up दिखाइए अगर आपने इतना कर लिया है तो. First question और answer, very good. रीत ने कर लिया, जसदीप कौर ने भी कर लिया. Okay, मीनल is still writing. मीनल का finish हो गया? हो गया. Okay. So I'll have to erase the board to write the next question. Can I raise? No. Manreet is saying no. Chalo likho fir jaldi se kariye. You have to take care of your speed of writing also beta. Ye to bahut chhota sa hi likha ma'am ne abhi. I'm erasing only the question. Aap tab tak likh lo answer. सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है ना, तो वो हम ट्राई करेंगे अभी कर ले हम. इन अ न्यू लाइन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 4. 3 हमने कर लिया, अब 4 करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why could, why? फिर से W वाला वर्ड है, W should be capital. Why could, इसको कैसे बोलते हैं? Could. L की साउंड छोटी सी आती है बस, could. Could नहीं बोलते हम, ल पूरा नहीं बोलते इसमें. ओके, why could the wolf को हम W small से लिखते हैं क्योंकि ये नेम नहीं है ना, जैसे सोनू मोनू गोनू नेम्स थे, तो इसलिए इसको हमने कैपिटल W से नहीं लिखना. सम चिल्ड्रन आर सेंडिंग यूजलेस मैसेजेस इन द चैट बॉक्स बेटा. अरविन, why could the wolf not blow the brick house down? कितने वर्ड्स हैं काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स होने चाहिए आपके भी. Why could the wolf not blow the brick house down? मतलब जो वुल्फ था वो ब्रिक के हाउस को क्यों नहीं ब्लो कर पाया. नॉट मतलब क्यों नहीं कर पाया, वो नॉट मतलब नो के लिए यूज होता है जब हम कोई काम नहीं कर पाते. कुड नॉट, ठीक है. आई कुड नॉट फिनिश माई वर्क, मतलब मेरे से मेरा काम खत्म नहीं हुआ है ना. सो यही पूछा है कि वुल्फ क्यों नहीं गिरा पत्ता ब्रिक हाउस को डाउन. सो इसमें हमने रीजन बताना है कि वो क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिक हाउस सबसे स्ट्रांग था है ना. सो इसमें हमने कैसे लिखना है, यहां से देखो क्वेश्चन को. द वुल्फ कुड भी आ गया,
नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. आपने ऐसे लाइंस नहीं लगानी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है कि हमने ये सारे वर्ड्स जो मैम ने ब्लू लाइन से मार्क किए हैं, ये सारे वर्ड्स हमने आंसर में यूज करने हैं. ओके, सो स्टार्ट कहां से करेंगे? द वुल्फ से. सो इसलिए टी हो जाएगा कैपिटल. मोनिका मैम, यू कैन शेयर द गूगल फॉर्म वंस इन द एंड, वी हैव लिटिल टाइम. द वुल्फ, ठीक है, फिर क्या आना है? कुड. कुड नॉट, ये देखो कुड भी दिया हुआ है, नॉट भी दिया हुआ है ना. ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, ये सारा हमने ऐसे ही लिखना है. सॉरी टू इंटरप्ट यू रमन मैम, एक बच्चा अरविंद, बेटा क्या लिख रहे हो अननेसेसरली? आई ऑलरेडी पॉइंटेड इट आउट टू हिम, ही इज नॉट अटेंटिव. बी अटेंटिव इन योर क्लास, व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके, इतना लिख लिया आपने. द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, ये सारा हमने क्वेश्चन में से लिखा है ना. और आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ टी कैपिटल डालना है मैम ने, और कोई लेटर कैपिटल नहीं डालना बीच में. कई बच्चे कहीं भी दिल करता है कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, वो मिस्टेक होती है, उसके मार्क्स कटते हैं. ब्रिक हाउस डाउन बिकॉज BECAUS बिकॉज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में वाई आया था, रीजन बताना ना अब हमने, इसलिए हमने बिकॉज यूज किया. बिकॉज इट वॉज, इट किसके लिए यूज किया है हमने? मैम ने आपको पहले भी बताया था, इट हमने यूज किया है ब्रिक हाउस के लिए. जो ब्रिक हाउस था उसके लिए इट यूज किया. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था वो ब्रिक हाउस, ठीक है, इसलिए वुल्फ उसको नहीं गिरा पाया. और एंड में फुल स्टॉप. We only have about 2 minutes left, तो आप कोशिश करो ये आप फिनिश कर लीजिए अभी. थर्ड जो नंबर 5 वाला क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप में से देख के कर लेंगे, वो बहुत ईजी है, हु लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स वाला, ठीक है, वो मैं आपको भी भेज दूंगी क्लास के बाद. कई बच्चे स्लो लिखते हैं ना, सो टेक योर टाइम. और जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं फिल करी, बेटा मैम ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है फॉर्म, जिन्होंने फिल कर दिया है उन्होंने दोबारा नहीं फिल करना. If you have not done, only then you will fill it. And I am reminding you, आज आपको मैम WhatsApp में भी एक गूगल फॉर्म सेंड करेंगे, वो भी आपने प्रैक्टिस करना है और खुद करना है उसको सॉल्व, रीड भी खुद करना है एंड सॉल्व भी खुद करना है. गीताली हैज डन ऑल द क्वेश्चंस, वेरी गुड मैम, आई हैव नॉट, सो प्लीज डू दैट, कर लीजिए फिर मार्कशीट. सो ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग है आंसर, सो आप इसको फिनिश कर लीजिए. नंबर 5 वाला आप व्हाट्सएप में से देख के कर लेना. दोज़ हू हैव डन, वेरी गुड, शाबाश जिनका हो गया.